नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम चुनाव की सारी तैयारी हुई पूरी, बुधवार को होगा मतदान। भागलपुर में 3,37,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। जमीन विवाद में गोली चलाने के आरोपी विधायक पुत्र आशीष मंडल गिरफ्तार, पुलिस को दी थी खुली चुनौती। छापेमारी करने पहुंचे माइनिंग ऑफिसर को बालू माफियाओं ने खदेड़ा, जब्त गाड़ी को कराया मुक्त। और कोरोना महामारी की आशंका को लेकर अस्पताल में हुआ मॉक ड्रिल। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है और बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को होगा। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के साथ सबौर और हाबीपुर नगर पंचायत में भी बुधवार को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें कि भागलपुर नगर निगम चुनाव में मतदान के लिए 367 बूथ बनाए गए हैं, जहाँ 3,37,000 मतदाता वोट कर सकेंगे, जबकि सबौर के 10 वार्ड के लिए 13 बूथ और हाबीपुर नगर पंचायत के 10 वार्ड के लिए 15 बूथ बनाया गया है। पहली बार जनता द्वारा सीधे वोट के माध्यम से महापौर और उप महापौर का चयन होना है, जबकि इस बार नगर निगम के 51 वार्ड से पार्षद पद के 214 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शहर के करीब 6 वार्ड ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके कारण इन 6 वार्डों में सीधी टक्कर होगी। वहीं करीब 13 वार्ड ऐसे हैं जहाँ 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा 13 उम्मीदवार वार्ड नंबर 33 में है। मंगलवार की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर लोगों को पर्ची देने के साथ अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, जबकि प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं को गोलबंद करने में जुट गए हैं। इधर भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और SSP बाबूराम और सदर SDO धनंजय कुमार सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे, जहाँ उन्होंने चुनाव से जुड़ी तमाम तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ कर्मियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान DM के साथ SSP ने भी नगर निकाय शांतिपूर्ण संपन्न कराने के पुख्ता तैयारी किए जाने की बात कही, जबकि मतदान के दौरान किसी भी तरह से कोई व्यवधान नहीं हो इसके लिए कई जानकारी भी दी गई। मास्टर और जो PCCP मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ज्वाइंट ब्रीफिंग DM सर और SSP सर के द्वारा की गई है और उन लोग को जो आयोग के दिशा निर्देश हैं उनसे अवगत करा दिया गया है। तो निश्चित रूप से इससे जो शांतिपूर्वक चुनाव होना है उसमें हम लोग को मदद मिलेगी और हम लोग निश्चित रूप से शांतिपूर्वक मतदान करवा पाएंगे। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसहरी स्थित 19 कट्ठा जमीन विवाद मामले में नामजद आरोपी गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल विधायक गोपाल मंडल और उनके पुत्र आशीष पर अवैध रूप से जमीन कब्जा करने और दबंगई को लेकर केस दर्ज किया गया था। मामले में पीड़ित लाल बहादुर सिंह के फर्द बयान पर बरारी थाने में केस दर्ज किया गया था। उक्त मामले में गोपाल मंडल के पुत्र आशीष उर्फ टिंकू ने अपने गुर्गों के जरिए पीड़ित पक्ष की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसमें लाल बहादुर सिंह, उनकी पत्नी माधुरी, पुत्र वीर बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि वीर बहादुर का साथी रवि उर्फ शरद को गोली लगने से उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। मामले में कुल 5 नामजद आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया था, जिसमें SSP बाबूराम के निर्देश पर ASP सिटी शुभम आर्य के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। हालांकि गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी आशीष मंडल ने सत्ता का रौब दिखाते हुए पुलिस को खुली चुनौती दी थी, जबकि पुलिस की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निगरानी में थी। वहीं आशीष मंडल की गिरफ्तारी को लेकर ASP शुभम आर्य ने बताया कि आरोपी तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतला स्थान के समीप मेयर प्रत्याशी सविता देवी के चुनाव कार्यालय में था, जहां पुलिस की विशेष SIT टीम ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। ASP ने बताया कि मामले में नामजद 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। हालांकि विधायक गोपाल मंडल पर गिरफ्तारी का वारंट होने के बावजूद खुलेआम अपनी पत्नी के चुनावी प्रचार में घूमते नजर आए हैं। वहीं आशीष की गिरफ्तारी को लेकर विधायक गोपाल मंडल की पत्नी ने पति और पुत्र पर लगे आरोप को निराधार बताया है और एक साजिश के तहत पुलिसिया कार्रवाई होने की बात कही है। इधर पुलिस आरोपी आशीष मंडल का जिले के सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। कि जैसे ही हमें सूचना मिली कि 1121 जो केस हैं बरारी के, उसके जो प्राथमिक अभियुक्त थे
वो अपने घर से बाहर निकल के चुनाव कार्य के लिए बाहर आए हुए थे। तो जैसे ही हमने जो अपनी गठित टीम थी वो तुरंत मौके पर पहुंची और विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की। अन्य नामजद अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी ही त्वरित तरीके से की कर ली जाएगी और उस पर पूरी छापामारी टीम अभी पूरी सक्रिय तरफ से उसमें लगी हुई। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? आगे अभी माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराया जाएगा, उसके बाद में विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल परिसर में कहां से गिरफ्तार किया गया? ये को चुनाव कार्य के लिए गए थे तो एक बिल्डिंग से वहां पे थे, उसमें गए हुए थे और चाय पी रहे थे, चाय वहां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी में कौन सी टीम शामिल थी? गिरफ्तारी में SIT बनी गई थी जो कल ही बनी थी और वही टीम के सब सदस्य शामिल थे। भागलपुर में बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए छापेमारी करने पहुंचे माइनिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर महर्षि मुनी को बालू माफियाओं ने बंधक बना लिया। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर माइनिंग इंस्पेक्टर बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कजरेली पहुंचे थे, जहां पर बेखौफ बालू माफियाओं एवं बेलखोरिया के ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए और माइनिंग इंस्पेक्टर को वहां से खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर कजरेली के रास्ते से आ रहे थे, तभी माइनिंग इंस्पेक्टर द्वारा दो गाड़ी को जब्त कर लिया गया। इसके कारण बालू माफियाओं में आक्रोश पैदा हो गया और सैकड़ों की तादाद में बालू माफिया लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। हालांकि माहौल बिगड़ता देख माइनिंग इंस्पेक्टर को वहां से भागना पड़ा। वहीं इसकी सूचना मधुसूदनपुर पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हालात को काबू किया। वहीं पुलिस को देख आनन फानन में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर से बालू सड़क पर ही गिराकर बालू माफिया फरार हो गया। वहीं इस घटना को लेकर माइनिंग इंस्पेक्टर ने कहा कि दोषी को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। COVID-19 महामारी की आशंका को देखते हुए मंगलवार को भागलपुर JLNMCH अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास और डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान अधीक्षक और सिविल सर्जन ने अस्पताल में कोविड की तैयारी को लेकर कहा कि चीन समेत कई देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के निर्देश पर तैयारी पूरी कर ली गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने कहा कि माइग्रेन अस्पताल के MCH बिल्डिंग में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त वेट की व्यवस्था है, जबकि फिलहाल भागलपुर में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। डॉक्टर असीम कुमार दास ने कहा कि अस्पताल में 3 ऑक्सीजन प्लांट है, जिसे जरूरत पड़ने पर मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 30 बेड फिलहाल रिजर्व है, जबकि जरूरत पड़ने पर 30 बेड तैयार हो जाएगा। साथ ही आम लोगों से सतर्कता बरतने की बात करते हुए कहा कि कोरोना महामारी ने पूर्व में लोगों को कभी नहीं भूलने वाला दर्द दिया और इसको ध्यान में रखते हुए मास्क और इससे जुड़े बचाव की सावधानी का ख्याल सभी को रखना जरूरी है, जिससे इस बीमारी से बचाव किया जा सके। मौके पर डॉक्टर महेश कुमार, डॉक्टर राजीव सिन्हा समेत कई चिकित्सक भी मौजूद रहे। देखिए मॉकड्रिल के दौरान हमारे यहाँ 3 ऑक्सीजन प्लांट है, तीनों में हम लोग एक एक करके गए। सबसे पहले LPA 300 में गए और 300 का बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई का जो सेचुरेशन होना चाहिए, प्रेशर, ये सारा चीज़ नॉर्मल रेंज में है जो हम लोग को चाहिए। मोर देन 90% ऑक्सीजन सेचुरेशन और फ्लो रेट भी अच्छा है, जो प्रेशर से हम यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर फिलअप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटली हम लोग फिलअप नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ उसका कुछ लाइसेंस होता है जो हमने लिख के भेजा है जो अब तक नहीं मिला है, तो इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट वार्ड में सप्लाई कर रहे हैं। तो इतना बेड तैयार है आपके पास ऑक्सीजन के साथ? ऐसा है कि हमारा, आपको पता है कि पिछले ही कोरोना फेज में हमारे यहाँ लगभग 450 मरीज भर्ती थे विद जो ऑक्सीजन बेड पर आ गए हैं, तो वो 450 तो है ही हैं। उसके अलावा कोरोना के अलावा अन्य मरीज भी हमारे यहाँ उस समय इलाज हो रहे थे, हालांकि ये कोविड हॉस्पिटल था। तो इस तरह से 550 मरीज में 550 बेड्स पर तो ऑक्सीजन है फ्लो अच्छा। नवगछिया पुलिस जिला के पर्वता थाना क्षेत्र के गरैया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें सहिंद्र यादव, कपिल देव यादव, विजय यादव, संजीव कुमार, मिथुन यादव समेत 16 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि विजय यादव अपना घर बना रहे थे, जबकि दूसरे पक्ष से सहिंद्र यादव का कहना है कि उनकी जमीन पर विजय यादव द्वारा घर बनाया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद
हुआ जो देखते ही देखते मारपीट में परिवर्तित हो गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को लेकर कई दिनों से गांव में पंचायती की जा रही थी, लेकिन दोनों पक्ष अपनी जिद पर अड़े हुए थे, जिसके कारण बात हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद प्रवर्तक थानाध्यक्ष पंकज कुमार मौके पर पहुंचे। हालांकि अब तक दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। 3 डिश मिल हमरा घर छे, 4 डिश मिल ओकरा दै छे। के घर बना रहलो छे? हमरा बड़की गत नी। की नाम छे? सुमित। पति तो वही घर बना रहलो छे? वही तो सब रोक लो इन्हीं सब बनबे छे। सरपंच मुखियो सब न लिख दल के पंचायत के मन्ने नहीं सब काउंट करबो सब तो सब बनबे रहो तो सब रोक कर यह ना हेली मार भाई लोग पहला उसका एक मार भाई तो लास्ट रंग भाई आने मिल हम अब बोल लो इसलिए उसको राल गाँव की या यार सब बोले छो मार भाई तो लास्ट रंग भाई आने मिल ताकि कल कहीं तो राखे कहीं खाओ मार पीट। हम सोए हुए थे उधर से उठे तो देख रहे हैं इधर बकवास हो रहा था, इसी में फिर लाठी चार्ज इधर से लाठी था उधर से फिर मारा था। आपको कहाँ मारा है? सर में मारा है 2 बार। हम प्रशासन तो भी फोन किए 3 बार, सुबह में 8 बजे फोन किए तब अभी तक नहीं आया था 12 बजे। अभी यहाँ हॉस्पिटल चले आए, थाना भी गए थे हम, वहाँ से थाना गए तो थाना वाला से बात किए तो बोलता है कि हम एम्बुलेंस घर में रखते हैं 917, फिर हम यहाँ चले आए। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मेरा नाम मुन्नी कुमारी है, घर पस रहा है। हम जो है शुगर का पेशेंट है, हम 1 साल से अंग्रेजी दवाई खा रहे थे। अंग्रेजी दवाई से हमको उतना फायदा नहीं हुआ इतना होना चाहिए। फिर हम एक राय से परामर्श लिए और दवाई खाए, आयुर्वेद का दवाई खाए। आयुर्वेद का दवाई खाने के बाद हमको बहुत फायदा हुआ। 1 महीना में ही हमको फायदा होने लगा, बहुत फायदा हुआ। और 3 महीना में मेरा बीमारी जड़ से छूट गया। और हम रोटी चावल भात सब खाते हैं और हम इनके दवाई से बहुत संतुष्ट हैं। 1 महीने से मेरा दवाई बंद है, सब कुछ खाने के बाद मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है और मुझे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। नाम है रेखा देवी, खगड़िया जिला को रहने वाले हैं। और मैं हमको 1 साल से शुगर था तो कोई आदमी बताया कि जाइए भागलपुर में डॉक्टर है एक राय, तो यहाँ आए तो दवाई दिए डॉक्टर साहब, तो 8 दिन में ठीक होने लगे। अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, शुगर नहीं घट रहा था और मेरा पेशाब में जलन था तो वो सब ठीक हो गया। 3 महीना से दवाई चल रहा था, 3 महीना दवाई खाए और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब दवाई नहीं खाते। सब चीज़ खाने का बाद अभी रिपोर्ट ठीक है, सब चीज़ खाते हैं। खाना जो होता है फल फ्रूट दाल चावल सब खाते हैं, अभी ठीक हैं। हम दवाई नहीं खाते हैं, दवाई बंद है।
के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहने को तो पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ शव को रखने के लिए बनाए गए मोर्चरी की व्यवस्था ठीक नहीं है। दरअसल तीन दिन पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आत्माराम मेडिकल के समीप एक वृद्ध व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया था और इसके बाद शव को मोर्चरी में रखने के लिए पोस्टमार्टम कर पहचान के लिए मायगंज हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ 72 घंटे तक शव को पहचान के लिए रखना था। वहीं विगत 3 दिन में शव को मोर्चरी में सुविधा के अभाव में नहीं रखा गया, जबकि इस दौरान लावारिस शव को उठाने और अंतिम संस्कार करने वाले मुस्कुरा डोम ने शव की 3 दिन तक देखभाल की और 72 घंटे के बाद भी शव की पहचान नहीं होने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इसको लेकर शव को अस्पताल लाने वाले पुलिसकर्मी से मुस्कुरा डोम की तीखी बहस भी हो गई, जिसमें पैसे के लेन देन की समस्या सामने आई। वहीं संबंध में मुस्कुरा डोम ने बताया कि नियम के अनुसार 72 घंटे तक शव को मोर्चरी में रखा जाता है, जिससे कि उसकी पहचान वाले को बाद में शव को सौंप दिया जाए, लेकिन अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के अभाव में शव पिछले 3 दिन से अस्पताल परिसर में पड़ा रहा, जिसकी देखभाल वह कर रहा है, और अब इसके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे या कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं विवाद पड़ने के बाद पुलिस ने उसे पैसे देकर अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। हालांकि इस मामले में मायगंज अस्पताल के मोर्चरी के साथ कई व्यवस्था की कमी भी सामने आ गई, जिसमें सुधार की काफी जरूरत है। कोतवाली थाना, ये बॉडी अननोन मिला, उसे पोस्टमार्टम करके कार्यालय अंतर्गत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अंतर्गत में मोर्चोरी का बॉडी रखने का मोर्चोरी है सर, उसमें ये बॉडी लगाए हैं सर ने, वो बॉडी को सर वो इनकार गए हैं। मैनेजर ने बोला कि मैंने बॉडी रखने का जगह नहीं है। तीन दिन जोड़ लीजिए, 72 घंटा का पुरता है सर। अच्छा, फिर क्या हुआ मैनेजर? वो बॉडी नहीं रखा तो हमको बोला कि मुसरा इज्जत की सवाल है, इसको बॉडी को रख लो। मैंने सर वो बॉक्स ला के, उसके बॉक्स में बॉडी है, उसको बंद करके सर 3 दिन हमने रात दिन जोग के मैंने यहाँ इमरजेंसी गेट पर वो बॉडी रखने के क्रम में सर, और आज 72 घंटा पुण्य के समय में मैंने एक गरीब मुसरा डोम ने मैंने प्रभारी को बोला कि मेरा मजदूरी दे दीजिए, वो मजदूरी से निकाल चला गया सर। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जहांगीरा गांव में आपसी विवाद को लेकर एक युवक पर गोली चला दी गई, साथ ही पिस्टल की बट से मारकर उसका सिर फोड़ दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान सुल्तानगंज के पुरानी दुर्गा स्थान गली नंबर 5 निवासी सोनू तिवारी के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल अवस्था में उक्त युवक को इलाज के लिए सुल्तानगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की स्थिति नाजुक देख चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस घटना के छानबीन में जुट गई है, हालांकि घटना का स्पष्ट कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। कहाँ? हमारे घर दुर्गा स्थान। अच्छा, प्रणाम चले स्तम्भ के आगे में टेम्पू लगा खड़ा। कौन आगू में? स्तम्भ घर के आगू में। कहाँ? नजर हमरा पड़ल। नाम बोल ना सर। सूर्या के। पूरा नाम बोल। सूर्या साहब के। आरु आरु का साथ में साइकिल छले। के नाम पूछ के। नाम वही सिंहनाम है। सिंहनाम पासवान। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम चुनाव की सारी तैयारी हुई पूरी, बुधवार को होगा मतदान। भागलपुर में 3,37,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। जमीन विवाद में गोली चलाने के आरोपी विधायक पुत्र आशीष मंडल गिरफ्तार, पुलिस को दी थी खुली चुनौती। छापेमारी करने पहुंचे माइनिंग ऑफिसर को बालू माफियाओं ने खदेड़ा, जब्त गाड़ी को कराया मुक्त।
और कोरोना महामारी की आशंका को लेकर अस्पताल में हुआ मॉक ड्रिल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।